एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं दी रेंचर्स। तो वापस से हम आ चुके अपने रेंच में, और पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने अपने रेंच में एक चिकन कूप बनाया था और उसमें हम फिर दो चिकन्स और एक रूस्टर को लेके आए थे। और हमने एक चीज और करी थी, हमने अपने लिए एक कावासाकी बाइक खरीदी थी, और ये है वो बाइक जो कि काफी ज्यादा सही है। और अभी भी अपने पास पैसे पड़े हैं, अभी अपने पास 186,911 कॉइन्स अभी भी अपने पास पड़े हैं। और अपना जो बार हाउस है ना, सॉरी बार हाउस कर मैं, जो अपना चिकन कूप है, एक मिनट, चिकन कूप, ये चिकन बाहर कैसे आ गई, इसको पकड़ो भाई, एक सेकंड इसको पकड़ो, अबे हाथ में आ जा, हाथ में आ, इसको पकड़ के अंदर रखो। अच्छा मैंने एक चीज़ नहीं करी ना, मैंने इसके बाहर वो फेंस वगैरह लगाए नहीं है, तो ये बाहर निकल जा रही तभी। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, रुको मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ। यार इनको ना मैं पानी कैसे पिलाऊँ, रुक जा, देखो इसका रुक जा ना, पानी का वो दिखाऊँ, रुक ना, ये देखो इसका। अच्छा मैं इसको नाम भी दे सकता हूँ भाई, इसको हम नाम भी दे सकते हैं। वैसे इसका नाम देखो पहले से दे रखा है, ब्रिजीना, ब्रिगना, लेकिन इसका नाम क्या दूँ मैं, नाम वगैरह छोड़ो, नामकरण नहीं करना, मैंने वो डिटेल्स ही देखनी है इसकी। ये देखो इसकी डिटेल्स में ना, इसको हमने पानी भी पिलाना है, तो अभी यार मैं पानी कैसे पिलाऊँ बताओ। इसमें देखो इतने मेरे पास ये फटे थे, तो मैंने इसमें जो हेबल्स थी वो डाल दी, लेकिन पानी के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे इसमें भी पानी डल नहीं रहा है जो नीचे है ये, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिरकार पानी भाई इनको पिलाऊं कैसे, क्योंकि पानी पिलाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, मतलब जिसमें पानी स्टोर करके रखूं और ये जाके पानी पी ले। मैं मेरे पास अपना ये पड़ रखा है वाटरिंग कैन, तो इसमें पानी, हाँ इसमें थोड़ा सा पानी अभी पड़ा है, लेकिन अरे पी नहीं रही है, रुको अभी मैं बाहर जाता हूँ, इससे पी लेगी क्या ये वाटरिंग कैन से, मुझे तो लग रहा है पानी पी पाएंगे। अब कहाँ बाकी वो रही सामने एक भाई, तीनों बाहर निकल रखे हैं, पता नहीं कहाँ जा रखा होगा बाकी के दो। देखो इसमें पानी नहीं पिला सकता भाई, पानी मैं इसको पिला नहीं पाऊंगा। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले ना बाहर की फेंसिंग करता हूँ, उसके बाद जो अपनी एक मुर्गी और है ना, और अपना जो रूस्टर है उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई, पता नहीं कहाँ भाग गए वो। लेकिन उससे पहले ना रुको, मुझे सबसे पहले यहाँ से ये वाला पत्थर हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं वैसे इतने में हो जाएगा, एक बार देख लेता हूँ मैं। पहले ये वाला जो पेड़ है ना, इसको काटते हैं ऐसे, इसको हटाते हैं साइड में, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी ना मैं फेंसिंग कर देता हूँ, ताकि अपने जो मुर्गी हैं वो इधर उधर ना भाग जाए, फिर भाई फ़ायदा क्या उनको बांध हाउस में रखने का अगर इधर उधर भाग जाएगी वो, तो इसलिए उनके लिए बाहर फेंसिंग कर देंगे। अगर उनको बाहर आकर घूमना होगा तो इतने थोड़े से एरिया में आराम से वो घूम सकते हैं, ठीक है, इतना एरिया उनके लिए बहुत है। तो मैं अपनी जो लॉक से सारी पहले कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम एक काम करते हैं, कितनी है और है क्या, नहीं खत्म होगी सारी, तो मैं अब फेंस जाके देखने वाला हूँ, क्योंकि इन्होंने ना काफ़ी सारे अलग जो फेंस है वो भी ऐड करे हैं, तो कोई बढ़िया सा फेंस ढूंढ के मुझे अब वो बनाना पड़ेगा। अपने ये वाले गार्लिक भी रेडी हो चुके हैं, तो इनको भी एक काम करता हूँ मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, ताकि इनको हम बेच के आ जाए। अभी खाने खाने की जरूरत नहीं है, अभी खाना खाने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये सारा हम बेच के आ जाएंगे, नहीं तो अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा ना तो सारी फसल खराब हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं फसल लगाने का। और अभी अपना जो ये है ना फार्मिंग का, ये मुझे थोड़ा और बड़ा करना है, बड़ा करना है, और ताकि हम और भी ज़्यादा फार्मिंग कर सके, और भी मुझे सीड्स वगैरह लेके आने पड़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था ना कि कोई फार्मर भी होना चाहिए यार, जिससे ना हम ये काम करवा सके, तो अब मुझे भाई अकेले करना पड़ता है ये सारा काम, और ये इनको ना तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, एक एक करके सबको तोड़ते रहो, ये नहीं कि एक ही बार में जितने भी एक इसमें है ना एक फील्ड में है, तो वो सारे एक ही बार में हार्वेस्ट हो जाए, बट नहीं भाई ऐसा होता नहीं है, इनको एक एक करके करते रहो तभी जाके ये होएंगे। चलो कोई नहीं, अभी मैं फटाफट से कर देता हूँ, और सीड्स अभी भी इनके ऊपर लग रखे हैं, तो दोबारा से मुझे सीड्स लगाने पड़ेंगे उस साइड, वो एक सिंगल वाला रहता है, तो वहाँ पर मुझे सीड्स लगाने पड़ेंगे। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास सीड्स है, ऐसे होने चाहिए थोड़े बहुत, तो मैंने बचा के रखे थे, मुझे पता था कि आगे जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने एक आध बचा लिए थे। दो जगह लगेंगे, एक जगह नहीं दो प्लॉट में, देखो इस वाले में और इस वाले में। तो अभी मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से सीड्स हैं। देखो मैं पड़े काफ़ी सारे पड़े भाई, स्ट्रॉबेरी के भी सीड में पड़े 5, तो मैं भी काम करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी लगाने वाला हूँ, ठीक है, एक यहाँ पर और एक लग जाएगा अपना यहाँ पर, ओके, बाकी और कहीं लगाने की जरूरत है नहीं। और अब एक काम करते हैं, अब चल के सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो फेंस है ना, तो फार्मिंग में चलते हैं, वुड फेंस, और ये है वुड फेंस गेट डीलक्स वाले के लिए है ये, अच्छा ठीक है ऐसा सिस्टम है फिर तो। अभी तो मैं सोच रहा हूँ डीलक्स वाला, तो हम जो डीलक्स वाला बनाएंगे तो उसमें लगाएंगे ना, यही वाले हम सिंपल वाले ही बनाते हैं तब तक के लिए ना, कितनी 4 लॉग लगेगी इसके लिए। और ये अच्छा, अब इन्होंने डोर ऐड करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही करा इन्होंने, तो हमें जंप करके जाना पड़ता था क्योंकि पहले डोर नहीं था, अब इन्होंने डोर ऐड कर दिया है, तो अब मैं काम करने वाला हूँ, पता नहीं कितने लगेगी, मैं थोड़े से बना ही लेता हूँ, ठीक है मैं थोड़े से बना लेता हूँ, पता नहीं अपने पास वुड कितना पड़ा है, नहीं तो मुझे खरीद के लाना पड़ेगा वुड, क्योंकि इतने पेड़ अभी हैं नहीं ना अपने आसपास में, और अगर हम कहीं और से पेड़ काटते हैं तो उसका हमें फाइन देना पड़ता है, तो इसलिए मुझे लॉग्स भी खरीद के लेके आनी पड़ेगी। पहले मैं बना के देख लेता हूँ ये कितने बन जाएंगे, और ठीक है अभी तो बन रहे भाई, अभी अच्छे खासे बन रहे हैं, 10 बन भी चुके हैं, ठीक है 11
और ये 12, एक मैं गेट भी बना लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। और अब जितने भी फेंस बन सकते हैं मैं बना लेता हूँ, जैसे मैं पहले मैं लगा के देख लेता हूँ ना, रुको पहले काम करता है, कहीं ज़्यादा ना बन जाए इसलिए पहले मैं वहाँ पे लगा के देखता हूँ। देखो एक मुर्गी अपनी यहाँ पे घूम रही है भाई, इनका भी अलग ही सीन है, कहाँ गया अपना वो, हाँ ठीक है ये रहा। तो यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूँ, सबसे पहले निकालते हैं अपने फेंस, ठीक है। तो इसको निकाला, इसको फेंस को कहाँ गया, अभी तो यही था मेरा, अभी तो मेरी इन्वेंट्री में था, कहाँ गया, ये रहा ठीक है। इसको निकालते हैं और इसको हम लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ इतना इतना एरिया बहुत है इनको घूमने के लिए, तो एक लगा देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक लग जाएगा अपना, अच्छा एक करके सबसे पहले मुझे इनको सेट करने पड़ेगा, ठीक है चलो कोई नहीं, अभी सबसे पहले मैं इनको बना ही देता हूँ, ठीक है। ये हो गया एक फेंस, उसके बाद एक आएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा देखो वो घूम रहा अपना रूस्टर वहाँ पे, और एक मुर्गी ये रही, एक वाइट वाली मुर्गी भी है, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो दो यहाँ पे हो जाएंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये तीसरा, इतना ठीक है क्या, इतना बहुत है यार, इतना बहुत है। अब मैं इसको यहाँ से रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको ना यहाँ से ऐसे करके ऐसे लगा देंगे, ठीक है, काफ़ी एरिया बच रहा है भाई, ठीक है। इतना इसके लिए बना देते हैं, इसका गेट मुझे, आई एम एग्जॉस्टेड, अबे यार थकान हो चुकी है, वेट थकान, अभी क्यों थकना भाई, खा लेते हैं कुछ, अपने पास बर्ड मीट पड़े तो इसको हम खा लेंगे, ठीक है। ये खा लेते हैं, अगर थोड़ा सा एनर्जी अपने को मिल चुकी है, 45 मिल चुकी है एनर्जी, और इन्होंने ये करके काफ़ी ज़्यादा सही कर दिया भाई, एनर्जी अब दिखती है ना तो पता चल जाता है कि कितनी एनर्जी उससे मुझे मिल रही है, ठीक है। एक और मैं खा लेता हूँ ताकि थोड़ी सी और एनर्जी बढ़ जाए, ठीक है। दो और मैंने खा लिए, और इसका गेट ना मैं सोच रहा हूँ इस वाले को मैं इसका गेट बना दूँ, मैं इसको ना यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इस वाले को ना एडिट पर जाते हैं, उसके बाद इसको कर देते हैं डिमोलिश, ठीक है। यहाँ पर आएगा अपना गेट फेंस का, ये रहा फेंस गेट ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अब इसको कर देते हैं हम बिल्ड, ठीक है। और इसको ओपन कैसे करना है, पहले ये अपना हाथ में रखो, ये ओपन कैसे होगा, अच्छा एक मिनट, ऑटोमेटिक है क्या, ये बंद तो नहीं हो रहा, नहीं ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है भाई, यहाँ पे पास ही जाना पड़ेगा, ऐसे जगह खुलेगा, मुझे लगा ऑटोमेटिक है भाई, मुझे लगा सेंसर वगैरह लग रखा है अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसको हमें खुद ही ओपन करना पड़ेगा। चलो मैं काम करता हूँ, जितने भी बच्चे हैं ना ये बना देता हूँ, 11 में हो जाएगा भाई, मैंने ज़्यादा ही बना लिए हैं, देखो 11 में अपना जो काम है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने और नहीं बनाया, इसको रोटेट करते हैं और फटाफट से यहाँ पे लगा देते हैं, और उसके बाद ना आज आई एम गेटिंग टायर्ड यार, एक तो इसको थकान हो रही है ना, इसकी वजह से मुझे जाकर थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, एक फेंस और लगा यार, एक और लगा ले, थोड़ा सा ये खा ले तू, थोड़ा ये लहसुन खा ले भैया। मुर्गियाँ अपने आप जा रही है रात में, देखो ऐसी शाम हो रही ना, अपने आप ही वन हाउस में चलेगी वो, ये तो सही है यार, ये तो ठीक है, फिर इनको बाहर ही घूमने देंगे हम। लेकिन मैं और थोड़ा सा गार्लिक खा लेता हूँ, और उसके बाद एक काम करते हैं, एक फेंस यहाँ पे और लगेगा ना, तो इस वाले फेंस को भी मैं लगा देता हूँ ऐसे रोटेट करके, ठीक है, पूरा परफेक्ट आ जाएगा। नहीं वहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बच रही है भाई, एक सेकंड रुको ना, पहले ये वाला जो पेड़ है ना मैं यहाँ से वो हटाता हूँ, वही थोड़ी सी जगह हैगी यार, उसमें वो बाहर ना आ जाए मुर्गियाँ। एक मिनट, एक तो इसको थकान हो रही है ना, काट दे भाई ये वाला पेड़ तो, काट दे कम से कम, ठीक है चलो शुक्र है कम से कम ये वाला पेड़ तो उसने काट ही दिया। देखो थोड़ा सा गैप है वहाँ पे यार, मैं उसको लॉक्स में हटाता हूँ, ये वाली हटा लो, देखो इतना गैप है भाई, इतने में तो हम भी अंदर बाहर जा सकते हैं। मुझे ना पहले यहाँ से लगाना स्टार्ट करना चाहिए था, मैंने गलती करी, चलो कोई नहीं, अब जाके पहले मैं सो जाता हूँ, ठीक है। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, दिख कुछ रहा नहीं है, तो पहले चल के सो जाते हैं, कहाँ गया अपना वो बिस्तरा, ये रहा, फटाफट सोते हैं। मुझे उसको एडिट करना पड़ेगा यार, वहाँ से जाके ना मुझे उधर से स्टार्ट करना चाहिए था, वहाँ वाली फेंस से, तब जाके थोड़ा सा वो बनता, लेकिन फिर उधर का भी तो, उधर भी तो फेंस लगे ना, उधर भी वो आ सकता है गैप। 300 फाइन, किस बात का फाइन, प्रोहिबिटेड हार्वेस्ट, भाई ये मैंने पेड़ कब काट दिया यार, यार देखो इसके पैसे कट गए ना, 300 कॉइंस कट गए अपने, चलो कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। अच्छा रास्ते में मुझसे एक पेड़ कट गया था, सबसे जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था उससे पहले एक पेड़ मुझसे टूट गया था गलती से बाहर का, उसके पैसे उन्होंने काट लिए। चलो भाई अब अगला दिन स्टार्ट हो चुका है, और अब एक काम करा जाए, अपने सीड्स यहाँ पे देखो ये मिसिंग है ना यहाँ से, तो यहाँ पर मुझे लगाने पड़ेंगे सीड्स, तो अपने जो स्ट्रॉबेरी के सीड्स है वहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। देखो ये बारिश स्टार्ट हो गई ना, और ये सीड्स यहाँ से हट चुके हैं जो पहले वाले थे, कोई नहीं मैं और लगा देता हूँ, अपने पास और पड़े, ये देख गार्लिक के और पड़े, तो इसको लगाते हैं यहाँ पे, और एक लग जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। चलो सीड्स मैंने लगा दिया, और अब मैं देखने वाला हूँ कि अपनी जो मुर्गी है ना वो वहाँ से बाहर आ पाएगी या फिर नहीं, देख लेते हैं एक बार हम, देखो यहाँ पर इतना गैप है ना, लेकिन अपनी मुर्गियाँ अंदर ही है कि बाहर घूम रही पहले से ही,
चल के अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। ठीक है, मैं आ चुकी अपने बान हाउस के अंदर भाई। चलो अपने तीनों के तुने जो तीनों की तीनों मुर्गियां ने, दो मुर्गियां और अपना जो एक रूस्टर है वो यहीं पे बैठ रखा है। तो अब एक काम करा जाए, इनका पानी का सिस्टम मैं सोच रहा हूँ ना हम बना ही लेते हैं यार भाई। इसका देखो वो जो पेट है ना इसका थोड़ा ख़राब हो रखा है, वहाँ पे दिखा रहा ना उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर आ रहा है। इसके ऊपर इसका भी पुअर है, इसका भी पुअर। पानी नहीं मिला ना इनको, इसलिए इनका ये आ रहा है यार। पानी इस बार उसमें होना चाहिए था यार। मैं काम करता हूँ, मैं वो देखता हूँ जो पानी जिसमें हम डालते हैं ना पानी वाला फीडर, मैं वो बना लेता हूँ ठीक है, ताकि इनको हम पानी दे पाए। तो भाई ऐसे तो ये मर जाएगी सारी की सारी। तो मैं देखता हूँ कि पानी का फीडर बनेगा कैसे आखिरकार। इसमें चेक करते हैं, पानी का इसमें होगा ये शेल्टर्स मशीनरी नहीं, इसी में देख लेते हैं। वेल है अपने पास में यार, या फिर मुझे लग रहा है कि मुझे ना वहाँ से ख़रीद के लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा ये, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे मुझे मिलने वाला है ये। फर्नीचर में देखें एक बार, नहीं फर्नीचर में नहीं होगा। फार्मिंग में वेल ये रहा ठीक है, ये 8 का बन रहा है। लेकिन ये पानी वाला है कि खाने वाला है, बना के देख लूँ क्या मैं, एक बना के देख लेते हैं ठीक है। मैंने एक बना लिए और शायद से मैं इसमें पानी और खाना दोनों डाल सकता हूँ। चलो मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। बान हाउस के अंदर तो मैं शायद से बना ना सकूँ, बान हाउस के बाहर मैं तो ज़रूर बना सकूँगा, अंदर मैं ट्राई करके देखता हूँ। ये रहना अपना, नहीं भाई ये बाहर नहीं अंदर नहीं बनेगा, इसको मुझे जाके बाहर ही बनाना पड़ेगा। चलो कोई चक्कर नहीं, इसको एक काम करता हूँ सबसे पहले इसको, अरे यार पहले इसको मैं वो एग्जिट कैसे करूँ, इसको ऐसे करते हैं ठीक है। पहले बाहर निकलते हैं और अब मैं ना यहाँ पे साइड में बना देता हूँ, इधर बना देता हूँ ठीक है, इस साइड में बना देता हूँ मैं। कैसे करते हैं ये रहा, सिलेक्ट करो इसको, तो इसको ऐसे यहाँ पे क्यों बन रहा। ये क्या सिस्टम है भाई, वो बन रहा ठीक है। यहाँ इधर बन जा रहा साइड में, ये देखो यहाँ पे, अच्छा ये फैंस के साथ साथ बनेगा ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ इसको हम यहाँ रखते हैं, देखो इसको ना ठीक है यहाँ पे इसको मैं इधर ही बिल्ड कर देता हूँ बस। बहुत है भाई, तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें पानी नहीं खाने के लिए शायद, ये रुकना यार पानी के लिए नहीं है भाई, ये फिलअप के ऑप्शन तो आ रहा है, भर गया ठीक है। पानी खाना दोनों डाल सकते हैं, चलो भाई सही है। थोड़ा सा और नहीं, पानी पूरा ख़त्म हो चुका है, कितना पानी आ सकता है इसमें, अब 50 आ सकता है, मैंने 18 भर दिया है। चलो ठीक है कोई नहीं, अभी मैं एक काम करता हूँ, अब यहाँ से बाहर चलते हैं। और अब ना मुझे एक बान हाउस भी खरीदना है ठीक है, तो बान हाउस भी हम बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे बान हाउस बनाएंगे, कहाँ पे रुकना एक मिनट। तो बान हाउस अपना नहीं यहाँ पे, देखो यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस है ना इधर, तो इधर अपना जो बान हाउस है ना वो आराम से आ जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ना वो जो डीलक्स वाला बान हाउस है ना हम वो बनाते हैं ठीक है। उसका प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन वो महंगा ज़रूर होगा, बट मैं एक बार देखने वाला हूँ। अगर वो हमें इतना भी महंगा ना पड़ा ना तो मैं खरीद लूँगा उसको, एक डीलक्स वाला बान हाउस बना लेंगे हम। और फिर उसके बाद उसमें जो एनिमल्स हैं हम वो भी लेके आएंगे। और इस ना अपनी जो ये है ना भाई, अपनी बाइक है, इसको मैंने बहुत ठोका, आधी से ज़्यादा इसकी जो हेल्थ है ना वो जा चुकी है। एक सेकंड, पानी के अंदर यार मैं और नीचे नहीं जा सकता क्या यार, मुझे पानी के अंदर ना वो दिख रहे हैं पेड़ पौधे से, पानी के अंदर हम जा सकते हैं ना तो मैं अच्छे से उनको एक्सप्लोर कर पाता, देख पाता उनको, लेकिन पानी के नीचे नहीं जा पा रहा मैं। नहीं भाई पानी के नीचे नहीं जा सकते मैं, अंदर की तरफ ना, नहीं ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं। चलो यार बाहर निकलते हैं, शायद से इन्होंने ना अभी इस वाले अपडेट में इन्होंने ऐड नहीं करा ये ठीक है कि हम पानी के नीचे जा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, जब ये ऐड कर देंगे तब हम नीचे का जो नज़ारा है वो भी लेके आ जाएंगे। फिलहाल तो अभी अपनी बाइक बैठते फटाफट से और यहाँ से निकलते हैं। तो अपना जो बान हाउस है ना वो खरीदने के लिए मुझे जाना पड़ेगा उसी कारपेंटर के पास ठीक है, वही जो अपने को बान हाउस है चिकन कूप वगैरह वही देगी। और मैं सोच रहा हूँ कि वो जो पानी का टैंकर आता है ना बड़े वाला, जिसमें विंडमिल आशा है ऐसे, तो वो मैं खरीद लूँगा ठीक है। उससे जो पानी है ना वो ऑटोमेटिकली भर जाएगा भाई, तो वो जो चीज़ है वो तोड़ दिया भाई उसका, वो मैंने सामान तोड़ दिया, अब पैसे कटेंगे मेरे, लगेगा फाइन अपने ऊपर। तोड़ा क्या मैंने, लेकिन एक मिनट रुकना भाई, ये क्या तोड़ दिया मैंने इधर से, वुडन लॉक, चलो उठा ही लेता, अब तोड़ देता उठा ही लेता हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा अपना कम से कम कम नुकसान हो। मतलब पैसे तो अपने कटेंगे, लेकिन इस वुड भी तो हमें मिल गई ना। अब देखते हैं कि ये कितने का वो देगी। सीधा कैटलॉग, तो इसके पास कहाँ पे फार्म बिल्डिंग्स ठीक है, तो ये है इसके पास ग्रीन हाउस, वाटर टावर है ठीक है, वाटर टावर। तो ये मुझे ख़रीदना है, एक ये है 36,000 का,
कोई नहीं, ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है, तो मैं खरीद लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम खरीद लेंगे इससे डीलक्स बान या फिर बिग बान। नहीं भाई, ये ज़्यादा महंगा है, ये तो ज़्यादा महंगा हो गया। 240,000 कॉइंस का भाई ये। नहीं, और ये कितने का? 1,20,000, और ये है 84,000। यार ये तो सारी महंगे हैं भाई। कोई दूसरा चीज़ हम बना लेंगे, लेकिन मैं काम करता हूँ बिग बान हाउस खरीदते हैं भाई। डीलक्स तो कुछ ज़्यादा महंगा है, इतना तो पैसे नहीं मेरे पास। 240,000, 1,20,000 तो अपने पास पड़े हैं, 150,000 अपने पास में, तो एक मैं ये खरीद लेता हूँ। ठीक है, क्या हो गया अब? मैं खरीद क्यों नहीं पा रहा इसको? अच्छा ठीक है, मेरे पास लग रहा है वुड कम है। रुको, सबसे पहले मुझे काम करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी सी वुड ना, 40 वुड चाहिए ना, तो सबसे पहले मुझे 40 वुड खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी सी वुड में और ले लेते हैं यार, अपने काम आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी वुड और रखते हैं अपने पास में। कितने ले लेते हैं अपने पास? हम पूरी 100 वुड रख ही लेते हैं। ठीक है, अपने पास, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी सी चीज़ें और बनानी है, ताकि उनको ना बेच के मैं थोड़े से पैसे कमा सकूं। पूरे 100 अपने पास ये हो चुके हैं। जर्कोनाइट मेरे पास 22 पड़े हैं, तो स्टोन मैं खरीद लेता हूं। स्टोन अपने पास 21 है ना, तो स्टोन भी हम थोड़े से खरीद लेते हैं। स्टोन हम 50 रख लेते हैं। ठीक है, 50 स्टोन बहुत है, क्योंकि थोड़े से पैसे भी मुझे बचाने हैं। ठीक है, और अब एक काम करते हैं, अब खरीदते हैं हम अपना बिग बान। चलो भाई, हमने एक बिग बान भी खरीद लिया, साथ ही साथ जो वाटर वाला वो है, वाटर टावर है, वो भी मैंने खरीद लिया। ठीक है, और अब एक काम करते हैं, हम यहाँ से गुड बाय करते हैं इसको। चलो भाई, अपने पास अब सामान तो हो चुका है, और अब मुझे यहाँ से निकलना है। अपनी बाइक में रिपेयर करवाऊँ या फिर अभी रहने देते हैं? थोड़ी सी जब और डैमेज हो चुकी ना, तब मैं इसको रिपेयर करवा लूँगा। फिलहाल तो अभी मैं यहाँ से वापस ही जाने वाला हूँ। और ये वाला जो ये टास्क है ना, अगर मैं ये भी कंप्लीट करूँगा ना भाई, इसके भी मुझे काफ़ी अच्छे खासे कॉइन्स मिल जाएंगे, तो ये भी मुझे फटाफट से करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से ना जो वो है ना काउज, उनको ले के चलते हैं अपने साथ में। ठीक है, उनको ना अपने साथ ले के चलते हैं, तो फिर मुझे वापस आना ही पड़ेगा यहाँ पे। काम करते हैं, ऐसे उतरते हैं। और ठीक है, यहाँ पे जो नीना है वो भी आज आ चुकी है, तो फटाफट से इससे मैं एक काउ, सिर्फ $24,320 बचे इसमें। काउ आ जाएगी क्या? नहीं, 24,000 वाली एक आ जा रही है, लेकिन ये थोड़ी वो वाली काव है, मतलब इतना रेयर वाली नहीं है। जो ये वाली है ना भाई, ये काफ़ी अच्छे खासे जो प्रोडक्शन है वो करती है। ये देखो, दे आर नोटेड फॉर देयर एफिशिएंसी, रैपिड ग्रोथ एंड द क्वालिटी ऑफ देयर मिल्क। मुझे ये वाली चाहिए थी, ये 54,000 की है, और एक ये है, और ये भी है 54 की। ठीक है, कि ये वाली भी 54 की है। नहीं, ये $43,200। नहीं यार, इतना भी वो नहीं। मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा पहले सामान बेचूंगा, जब थोड़ा सा मेरे पास पैसा हो जाएगा ना, तब जाके मैं ये काउस वगैरह लेके आने वाला हूँ। ठीक है, अभी तो मैं रह नहीं देता हूँ भाई, अभी तो इतना पैसा नहीं, अभी तो खाने के लिए पैसा नहीं अपने पास में। ठीक है, तो थोड़ा सा पैसा बचाना भी अपने को। एक काम करता फटाफट, अभी यार एक तो बाइक पे बैठने के लिए ना इधर उधर घूमना पड़ता मुझे। ठीक है, फटाफट से अपनी बाइक पे बैठते हैं। मुर्गी उधर कहाँ जा रहा है? ये रूस्टर है। सबसे पहले मुझे इसको बैक मोड़ना पड़ेगा, या तो नहीं जाना वहाँ से, नहीं मोड़ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, फटाफट चलते हैं। चलो हम बान हाउस वगैरह आज बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो काउस है और जो बुल है ना, हम वो लेके आ जाएंगे। और इन्होंने मेरे हिसाब से वो ऐड करते हैं, इन्होंने जो वाला सिस्टम है ना, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, ब्रीडिंग। ठीक है, हाँ, ब्रीडिंग का जो सिस्टम है ना, शैसे इन्होंने ऐड कर दिया, तो अब एनिमल्स की ब्रीडिंग भी हो सकती है। तो हमें एक काउ और एक बुल चाहिए, उसके बाद तो अपने पास काफ़ी सारे जो एनिमल्स है ना वो आ ही जाएंगे। तो मैं काम करता हूँ, इसको सबसे पहले यहीं पे छोड़ते हैं। और यहाँ से ना मुझे ये थोड़े बहुत जो पेड़ है और जो वो पत्थर वगैरह ना, ये मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे, ताकि यहाँ पे जो अपना बान हाउस है वो आ सके। ठीक है, इतने एरिया में तो आराम से आ जाएगा, लेकिन बिग बान हाउस है ना, तो आ जाएगा यार। ठीक है, इतना भी छोटा एरिया नहीं है ये। ठीक है, आराम से आ जाना चाहिए। ओके, तो अभी इधर ना जो थोड़े बहुत पेड़ थे और पत्थर वगैरह था, वो मैंने सारे हटा दिए, थोड़ा सा एरिया यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और इतने में तो अपना बान हाउस आ जाना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपना बान हाउस यहाँ से निकालते हैं। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये रहा बिग बान हाउस। ओ भाई, सभी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा यार, भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये तो। एक मिनट रुको ना, ये पीछे मैं इसको अगर लगा के देखूँ यहाँ तक, और थोड़ा पीछे, थोड़ा सा और पीछे, नहीं ज़्यादा पीछे हो गया ना, इतना ही आएगा ये इतना ही आएगा। इधर से कितना गैप है, इधर से भी इसको इतना ही रहने देते हैं। मैं वहाँ से उस साइड से फेंसिंग कर दूँगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से हम फेंसिंग कर देंगे, राइट से मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। तो अब ये काम करते हैं, इसको करते हैं बिल्ड। ठीक है, फटाफट से इस पर मारते हैं भाई, 20 हथौड़े मारने पड़ेंगे, लेकिन यार हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, तो 20 हथौड़े तो नहीं बजेंगे। मैं थोड़े से एक हथौड़ा और मारते हैं। ठीक है, अब जाके पहले सोते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो लहसुन है ना वो खा लिया भाई, लहसुन खा खा के पेट खराब हो जाएगा, इसलिए मैं काम करता हूँ, पहले जाके सोते हैं।
ठीक है, ताकि कल हम जब हम सुबह उठेंगे ना तब अपने को थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, थोड़ी सी शक्तिशाली हम बन जाएंगे, तब अपना जो बानस है हम वो रेडी कर देंगे। फाइन कितना कटेगा मैं ये देखने वाला हूँ। चलो वाटर का तो इतना कटा, ये 45 इसके, नॉट बैड, बहुत बढ़िया, 1000। मैंने क्या तोड़ा था भाई, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी भाई, इसके $1000 काट दिए यार, क्या बात है भाई, काफ़ी ज़्यादा सही है भाई, सीधा 1000 कॉइन गए मेरे पास, मेरे 24 है ना, 23 बचेंगे अपने पास सिर्फ। चलो कितने बचे, 23,263 भाई साहब, कितने तगड़े वाले फाइन दे दिए उन्होंने, लेकिन चलो कोई नहीं, अब जाके अपना जो बान हाउस है ना सबसे पहले मैं वो रेडी करता हूँ, और खाने के लिए मैं थोड़ा सा सामान लेके आने वाला हूँ भाई अपने लिए, ठीक है। अपने पास खाने के लिए ये सिर्फ लहसुन ही है, तो मैं थोड़ी सी और जो दूसरी चीज़ें हैं जिनसे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी मुझे मिलती है मैं वो लेके आ जाऊँगा। तो मैं पहले अपना बान हाउस कर देता हूँ बिल्ड, ये लास्ट, लेट्स गो भाई, क्या मस्त लग रहा है, ये देखो भाई क्या तगड़ा लग रहा है अपना बान हाउस, सही है भाई, इतना बड़ा बान हाउस आराम से भाई, जहाँ तक हमने फेंसिंग की है ना देखो वहाँ तक अपना बान हाउस आ चुका है, तो अब इसके बाहर भी फेंसिंग मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए रुको यार मैं पहले जाकर ना थोड़ा सा सामान वगैरह लेके आता हूँ अपने लिए, लेकिन एक बार इसको अंदर से देख लेते, रुको सबसे पहले चल के ना अंदर से देख लेते हैं कि आखिरकार ये वाला बान हाउस अंदर से कैसा है। ठीक है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा खुली है इसकी, अपना जो वाला बान हाउस था ना छोटे वाला वो शायद से यहाँ तक था, ठीक है, इतना एरिया में एक्स्ट्रा मिला इस वाले बान हाउस में, तो अब मुझे इसमें खाना वगैरह डालना पड़ेगा, ठीक है। पानी का कैंपर करो, मैं ये वाटरिंग कैन तो खाली है ना, शायद से मुझे इसी में पानी भरना पड़ेगा यार, ठीक है, वो वाला जो चिकन कूप है ना उसमें भी शायद से मुझे उसमें पानी भरना पड़ेगा, रुको मैं एक बार देखता हूँ, ठीक है, पहले जाके ना अपना जो वाटरिंग कैन है मैं वो भर के लाता हूँ, उसके बाद देखते हैं, तो मैंने वो बाहर तो वैसे लगा ही रखा है, अगर ऐसा ना हुआ तो बाहर से भी वो पानी पी लेंगे, लेकिन एक बार मैं देखने वाला हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि ऐसे ही होगा। मैं अपना ये निकालता हूँ, पिकेक्स नहीं, अपना वाटरिंग कैन निकालते हैं, फटाफट से भर लेते हैं इसमें थोड़ा सा पानी, ठीक है, और अब जाके इसमें डाल के देखते हैं उस वाले में, ठीक है, अपना जो वाला है ना क्या कहते हैं अंदर जो फीडर्स है अपने वो वहाँ पे डाल के देखते हैं, और फिर उसके बाद जो अपना वाटर टावर है ना मैं वो भी यहाँ पे पीछे बना दूंगा, पीछे की साइड में ना वहाँ हम बना देंगे, तो इसमें मैं काम करता हूँ यहीं पर डाल के देख लेते हैं इस वाले में, फिलअप आ रहा ऑप्शन, ठीक है, देखो ये भर रहा है भाई, एक पूरा भर गया, कितना भर गया इसमें 20, ठीक है 20 भर चुका है, 50 भर सकता है, लेकिन चलो अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसका भी ऐसी सिस्टम होगा, तो अब अपनी जो बाइक है ना वो उठाते हैं, और अब यहाँ से चल के रुको 23,000, थोड़ी सी एनर्जी मुझे बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मुझे अभी वो थोड़ी सी चीज़ें बनाना है ना जिसको मैं बेच सकूँ, ठीक है, ताकि उस समय पैसे मिल जाए, बाइक पे बैठो, ठीक है, अभी हमें जाना पड़ेगा, एक सेकेंड कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमें यूसेफ की शॉप पे जाना पड़ेगा, ठीक है, वहीं से जो थोड़ी दूध वगैरह की बॉटल है ना, ठीक है, हम वो लेके आ जाएंगे, खाने के लिए भी देख लेंगे अगर कुछ बढ़िया सी चीज़ मिल गई ना, मीट वगैरह भी मिलता है, लेकिन फिर अगर हम पका के, पता नहीं इन्होंने कुकिंग का वो ऐड करा मैकेनिक या फिर नहीं, चलो कोई बात नहीं, कच्चे भी मीट हम खा ही लेंगे, कच्चे वाले मीट खाने से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो मिल जाती है, तो ये फटाफट से अपनी बाइक को भगाता हुआ हम चलते हैं सीधा यूसेफ की शॉप पे, लेकिन बस इसको ठोकना नहीं है, इसको ठोकूंगा ना तो एक मिनट, ओ भाई साहब बच गया, मैं ठोकने की बात कर रहा था, अभी ठुकने वाली थी, तो यहाँ पे इतनी स्लो स्लो बंदे अपनी, ये देखो कितनी स्लो चला रहा भाई ये, इतने में ना भाई मैं कितना अभी घर वापस पहुँच गया तो अपनी बाइक चला के, साइड से निकालो उसकी, यहाँ से ठोकना कहीं, यूसेफ आ रहा है, ठीक है आ रहा है, मुझे लगा कि आज उसकी शॉप ही बंद है भाई, अभी टाइम कम हो रहा होगा ना, कितना टाइम हो रहा है देख लेते हैं एक बार टाइम, अभी देखो 9:12 भाई, लेट आता है क्या, कहाँ जा रहा है वो, कहाँ जा रहा है भाई, एक मिनट रुक 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 रुक, आई मीन हरी, क्या बात है, आज इसकी शॉप बंद है क्या, देखना मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, आज कौन सा सैटरडे है आज, अब कल भी नहीं आएगा, संडे को भी नहीं आएगा, चलो अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, खाने के लिए मुझे अब इसको इसके पास आना पड़ेगा परसों ये हमें खाना वगैरह बेचेगा, चलो मैं एक बार काम करता हूँ, 23,000 नहीं 24,000 का खाना, वो काओ तो काओ भी नहीं खरीद सकता मैं, बैठ चलो कोई बात नहीं हम अगली बार कर लेंगे, अभी तो हम अपने घर चलते, जा कहाँ है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई, लिफ्ट चाहिए क्या तेरे को, लिफ्ट चाहिए, आजा बैठ जा, आजा 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 भाई, बड़ा ही शक्तिशाली था भाई, मेरी बाइक आगे तक लेके जा रहा है, लेकिन चलो अभी मैं चलता हूँ वापस अपने रेंच में चलते हैं, ठीक है, हम 2 दिन हमें वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो यूसेफ है ना वो जाके हमें खाना बेचेगा, तभी चलते हैं अपने घर, ठीक है, और फिर उसके बाद 2 दिन का वेट करते हैं, ठीक है, और जैसे ही 2 दिन हो जाएंगे उसके बाद मैं इससे जो खाना वगैरह ना वो खरीद के लेके आ जाऊँगा, और फिर वो जो सामान मुझे बनाना है ना तो मैं वो बना के ना उसको बेचूँगा, ताकि फिर उससे ना मैं जो फैंस वगैरह हैं, ठीक है, वो बना सकूँ, मतलब थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, या फिर मैं काम करूँ,
आज का दिन स्किप ही कर देते हैं, कोई चक्कर नहीं, आज का दिन स्किप कर देते हैं, थोड़ी सी एनर्जी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, मैं फेंस का काम खत्म करता हूँ और उसके बाद जो एनिमल्स वगैरह ना वो हम अगली बार खरीद लेंगे। ठीक है, जो अपने काउस है बुल्स है वो हम अगली बार खरीद लेंगे। अभी तो फिलहाल हम यहाँ से करते स्टार्ट द न्यू डे। एक मिनट, मैंने वो भी नहीं बनाया भाई, वाटर टावर भी तो मुझे वाटर टावर भी तो अभी बनाना है ना, तो वो भी मैं बना देता हूँ ताकि जो पानी है वो अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाए। और फिर खाने के लिए भी मुझे बनाना पड़ेगा भाई, आज भी तगड़ी बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो अपना जो वाटर टावर है ना वो मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए काम करते हैं, अपना वाटर टावर निकालते हैं। इसकी रेंज देखिए कितनी है, ओ भाई रेंज तो काफ़ी ज़्यादा है यार इसकी, वो देखो वहाँ तक भाई पूरे कोने तक जा रहा है फेंसिस के। ठीक है भाई, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। फिर इसको हम यहाँ पर बनाएंगे पीछे, सेंटर में नहीं आ रहा ये, या फिर ये सेंटर नहीं है भाई, ये तो बिजली कड़कने लगी तो ज़्यादा तगड़ी बारिश होने वाली है मुझे लग रहा है। ये सेंटर नहीं आ रहा, सेंटर में एक दो तीन एक, हाँ ठीक है ये सेंटर है, तो इसको मैं यहाँ पे बिल्ड कर देता हूँ। फिर कितने हथौड़े मारने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, अच्छा ठीक है आठ मारने पड़ेंगे ना, आठ हथौड़े तो हम आराम से मार देंगे, अपने पास इतनी एनर्जी हैगी। तो फटाफट से अभी अपना जो वाटर टावर है उसको हम वाटर ये कर सकते हैं ऐड। चलो अभी मैंने इसको बना तो दिया है, और अभी इसमें ठीक है आ रहा है, एक मिनट इसमें पानी मुझे भरना पड़ेगा क्या, वेट ये कुछ ऑप्शन आ रहा है भाई, यूज ये गोल गोल क्या घूम रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये है क्या स्टोर वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूट टू इट टू योर बॉन्ड्स, इसमें वाटर मैं स्टोर करूंगा भाई, ये वाटर ग्राउंड वाटर नहीं निकालेगा, इसमें मुझे पानी शायद से भर भर के डालना पड़ेगा भाई, ये तो फिर गलत हो गया यार, अब मुझे पानी भर के डालना पड़ेगा इसमें, तो पानी इसी से भरूंगा क्या मैं फिर, तो भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, रुको ना यार ये तो फिर दिक्कत है, इसका फ़ायदा क्या है इससे, अच्छा विंड मिल अगर मुझे मिलता मैं विंड मिल ही खरीद लेता यार, विंड मिल से अपने आप ही पानी नीचे से निकलता और सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, इसमें डाल के देखूँ क्या मैं, नहीं भाई ये नहीं हो रहा, ये इसमें हो ही नहीं रहा, पानी में ऐसे भर ही नहीं सकता, ये सीढ़ी ऊपर लगे, रुको ना मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ क्या, ऊपर भी नहीं चढ़ पा रहा मैं इसके ना यार, ये तो फिर समस्या होगी, मैं इसको यूज़ कैसे करूँ, अब इसके पानी के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, या फिर मैं काम कर सकता हूँ, रुकना एक बार मैं अगर इसको दोबारा चेक करूँ, स्टोर वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू योर बान, लेकिन अब वो कैसे करूँ मैं, पानी भरूँ कैसे, नहीं ऐसा तो नहीं मुझे एक कुआं बनाना चाहिए यहाँ पे, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, एक जो वेल है ना मैं वो बना के देखता हूँ, तो शायद से जो देखो वेल में पानी इकट्ठा होगा और वो शायद से पानी उसमें जा सकता है, एक बार देख लेते हैं ट्राई करके। तो एक वेल हम चलते फार्मिंग में, ठीक है कितने 20 पत्थर और 8 वुड, ठीक है इसको हम बना लेते हैं। चलो एक वेल तो मैंने बना लिए, और अब चल के इस वेल को हम वहाँ पे बना लेते हैं, प्लीज़ यार ऐसा हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि आखिरकार मैं इसमें वाटर कैसे स्टोर कर सकता हूँ, मुझे सामान वगैरह शायद से वही खरीदना पड़ेगा, फिर इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, रख देता हूँ, ठीक है अब इसको कर देते हैं राइट, मैं एग्जॉस्टेड, ठीक है मैंने पानी तो इसमें वो कर दिया, अब मैं पानी भरता हूँ इसमें, फिल अप करते हैं इसको, अबे मैं मर गया, कुछ ज़्यादा एनर्जी मैंने मुझे लग रहा है मैंने यूज़ कर लिया यार, चलो कोई बात नहीं अपना, अच्छा ये वाला डे स्किप हो जाता है, ठीक है अगर हम मर जाते हैं ना तो अपना जो डे है भाई वही स्किप हो जाता है। चलो अब अगला दिन स्टार्ट हो चुका है और मैं आ चुका हूँ सीधा हॉस्पिटल पे, सीधा हमने हॉस्पिटल पे जो स्पॉन है वो कर दिया गया, लेकिन ये हॉस्पिटल है कहाँ पर, रुकना एक मिनट मैप में अगर मैं चेक करूँ हम कितनी दूर हैं, अभी हम है कहाँ, हॉस्पिटल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है भाई, मैं कहाँ पे हूँ जी, अच्छा ठीक है ये रहा हॉस्पिटल, कंट्री हॉस्पिटल मैं यहाँ पे, भाई इतनी दूर जाना है हमें, यहाँ पे जाना पड़ेगा यार, ये हमें बिल्कुल सीधा चलना है यहाँ से, चलो ठीक है अभी फटाफट चलते हैं सीधा अपने घर पे। तो ठीक है गाइस आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट जाके फॉलो कर लो, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत।